हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम टेंथ मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी मनरोशा प्रोग्राम फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ मार्च सो दोज ऑफ हु यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दैट प्रोग्राम उसके लिए यहाँ पर आपको यूपीएससी एनालाइज़र का टेलीग्राम का मेन चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब आप यहाँ पर मेन चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको एक पिंड मैसेज दिखेगा पिंड मैसेज में जो लिंक है उसके थ्रू आप यहाँ पर यू पी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप में रिगार्डिंग मैंटरशिप प्रोग्राम सारी डिटेल्स पोस्ट कर दी गई हैं तो उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट प्रोग्राम और नॉट और अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप उस ग्रुप को लीव कर सकते हो तो यू आर फ्री टू लीव यू कैन लीव दैट ग्रुप अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक कॉरपोरेशन बनाई गई है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने मोनेटाइजेशन की बात की थी तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ओनरशिप राइट्स ट्रांसफ़र नहीं करेगी गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ लीज आउट कर रही है जो भी यहाँ पर अंडर यूटिलाइज एसेट्स हैं या नॉन कोर एसेट्स हैं ऑफ़ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और बाकी जो एजेंसीज है यहाँ पर गवर्नमेंट से लिंक्ड है तो उसके यहाँ पर जो नॉन कोर रसेट्स हैं उसको गवर्नमेंट सिर्फ लीज आउट कर रही है टू द प्राइवेट सेक्टर लेकिन यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर ये यह पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कॉरपोरेशन बना दी है जिसका नाम है नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन अब यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन असेट्स का होगा उसमें जो सिक्सटी सिक्स परसेंट आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पर रोड्स रेलवेज़ और पावर सेक्टर से आ रहा है तो रोड्स रेलवेज़ एंड पावर सेक्टर असेट्स विल कंप्राइज़ ओवर सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल एस्टीमेटेड वैल्यू ऑफ द असेट्स टू बी मोनेटाइज्ड और गवर्नमेंट का यहाँ पर जो अनुमान है वो ये है कि छः लाख करोड़ इससे आ सकता है अंडर द प्रोसेस द गवर्नमेंट इज अेंशली ट्रांसफरिंग रेवेन्यू राइट्स टू प्राइवेट पार्टीज़ तो गवर्नमेंट यहाँ पर ओनरशिप नहीं ट्रांसफर है गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर है टू द प्राइवेट पार्टीज़ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद यहाँ पर ये यह जो भी एसेट्स हैं ये वापस से गवर्मेंट के पास ही आ जाएंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर करिए रेवे्यू राइट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ अभी प्राइवेट पार्टीज़ गवर्नमेंट को क्या देंगी तो अप फ्रंट मनी देंगी इसके अलावा रेवन्यू में कुछ शेयर देंगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी इन एसेट्स में जो कि अभी तक अंडर यूटिलाइज रहें रहे हैं सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द बोर्ड ऑफ एन एल एम सी तो यहाँ पर जो कारपोरेशन बनाई जाएगी वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से भी प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है सो फार सी पी एस ईज हैव रेफर्ड अराउंड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एकर्स ऑफ लैंड जो कि यहाँ पर नॉन कोर एसिड्स में आते हैं और यहाँ पर इनका ही मोनिटाइजेशन किया जाएगा बाकी मैंने आपको बता दिया जो सिक्सटी सिक्स परसेंट है वो यहाँ पर रेड सॉरी रोड रेलवेज और पावर सेक्टर को यहाँ पर मोनिटाइज़ किया जाएगा जो भी उनके अंडर यूटिलाइज सिक्सटी सिक्स परसेंट जो रेवेन्यू है वो इन्हीं तीन सेक्टर से आने वाला है अब इसकी बात क्या कर रही है गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपना जो प्रेजेंस है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रही है इज़ पार्ट ऑफ़ द सेंटर्स स्ट्रैटी टू रिड्यूस इट्स बिजनेस प्रेजेंस टू अ बेयर मिनिमम एंड जनरेट रिसोर्स फॉर फ्यूचर असेट क्रिएशन गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ऐसे में ये गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि जो भी हमारे पास अंडर यूटिलाइज असेट्स है या नॉन कोर असेट्स हैं वो यहाँ पर हम प्राइवेट पार्टीज को लीज आउट कर दे रहे हैं फॉर स्पेसिफाइट पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ अ फ्रंट मनी आर रेवन्यू शेयर एंड कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि ये क्या है आगे हम चलते हैं ये इशू बड़ा नहीं है लेकिन ये न्यूज़पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है तो आपको ये लग सकता है कि मैं ये स्किप कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये इशू है क्या तो यहाँ पर सेंटर ने एक्सप्रेस किया है इसका इंटेंशन कि जो नेशनल कैपिटल की के तीन सिविक बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पर यूनिफाई कर दिया जाए तो जो साउथ सिविक बॉडी है नॉर्थ सिविक बॉडी है ईस्ट सिविक बॉडी है तो उनको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाए तो इसके बारे में ही बात चल रही है अब ये इशू है सच इंपॉर्टें नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं, नहीं करेंगे तो आर्स बिफोर द डेली स्टेट इलेक्शन कमी वॉज टू अनाउंस डेट्स फॉर द मुंसिपल कॉरपोरे पोल्स इट्स चीफ सेट वर अनेबल टू डू सो बिकॉज द सेंटर हैज एक्सप्रेस इट्स इंटेंशन टू यूनिफाई द नेशनल कैपिटल थ्री सिविक बॉडीज यहाँ पर जो नीट यू के लिए अपर एज लिमिट थी उसको हटा दिया गया है तो यहाँ पर अपर एज कैप जो रिजर्व अनरिजर्व कैंडिडेट्स की थी वो पच्चीस साल थी और यहाँ पर जो रिजर्व कैंडिडेट्स की थी वो तीस साल थी लेकिन अब इस लिमिट को हटा दिया गया है तो द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ रिमूव द अपर एज लिमिट फॉर द नीट यू फॉर एडमिशन टू एम बी अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं ये वही इशू है सेविक बॉड जो कि मैंने आपको बताया कि सेंटर का इंटेंशन है कि यहाँ पर जो तीन सेविक बॉडीज उनको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाए आगे चलते हैं अब यहाँ पर सी एस ई की बात की गई कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2012 में फॉर्म हुआ था एज अ ट्राई लेटरल मेरी सिक्योरिटी ग्रुपिंग जिसमें इंडिया श्रीलंका और मालदीव था इसके बाद मॉरिशियस इसका फोर्थ मेंबर बना इसके अलावा इस बार की जो मीटिंग थी उसमें बांग्लादेश और सेचल्स ने भी ऑब्जर्वर की तरह अटेंड किया और उनको भी इन्वाइट किया गया कि आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो द डेली ड्रिवेन मिनी लेटरल इज़ बींग सीन एज़ इंडियाज़ आउटरीच टू द इंडियन ओशन तो यहाँ पर इंडिया जो है आउटरीच करने की कोशिश कर रहा है टू तो द इंडियन ओशन क्योंकि इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीजनल कोऑपरेशन के लिए इसके अलावा शेयर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए चाइना जो है वो इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुंस बनाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में रीच आउट करना ज़रूरी है तो आपको सी एस सी पता होना चाहिए कि, कि कभी ये आए कि हमने कौन कौन सी कऑपरेशन बनाई है तो उसके लिए आप ये भी कोट कर सकते हो एक सी एस सी अब हम आगे चलते हैं वर्ल्ड किडनी डे ये हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर भी हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द इवैक्यूएशन हमारे पास इनफ कंटेंट हो गया है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल स्टूडेंट्स वो यहाँ पर यूरोप में क्यों पढ़ने जाते हैं लेकिन यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो पहला जो इशू है डिमांड सप्लाई मिसमैच तो यहाँ पर लगभग लग सोलह सोलह लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर नीट देते हैं और यहाँ पर इंडिया में सिर्फ एटी थ्री या एटी फाइव थाउजेंड कुछ सीट्स हैं यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज में सीट्स हैं उनका प्राइस लगभग एक साल का सिर्फ पंद्रह से तीस लाख होता है इसीलिए यहाँ पर एम अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो लगभग एक से डेढ़ करोड़ रुपये लग जाते हैं दिस इज वे मोर देन वॉट मोस्ट इंडियंस कैन अफोर्ड तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास का इंसान है वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता है तो स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर मेडिकल करियर विद सम एक्सेप्शन आर ऑफ़ टू टाइप्स अब यहाँ पर कौन कौन से बच्चे मेडिकल करियर को यहाँ पर देख कर चलते हैं तो उसमें ऑथर ने यहाँ पर टू टाइप्स के स्टूडेंट्स बताएँ पहले तो ये जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं तो वो यहाँ पर सोच कर चलते हैं कि हमें भी डॉक्टर है दूसरी बात यहाँ पर कुछ लोग इसे सोशल शो, और इकोनॉमिक मोबिलिटी की तरह देखते हैं इसीलिए वो यहाँ पर मेडिकल करियर का पाथ चूज करते हैं अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बना भी दें तो यहाँ पर फैकल्टी की प्रॉब्लम है कि फैकल्टी कहाँ से आएगी तो गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू ओपन न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैज़ रन इनटू सीरियस फैकल्टी क्रंच तो ऐसे में जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं वो क्या करते हैं जो अभी करंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे फैकल्टी को पोच करने की कोशिश करते हैं उनसे फैकल्टी को छीनने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम है कि अगर मेडिकल कॉलेज बना भी दिए जाएँ तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है फैकल्टी क्रंच की अब फैकल्टी करंच की प्रॉब्लम है दूसरी बात ये क्वालिटी कंटिन्यूज टू बे सीरियस कंसर्न क्योंकि क्वालिटी को मेजर करने के लिए अभी कोई भी पैरामीटर नहीं है अब जो क्वालिटी है ये सबसे बड़ा कंसर्न है और यहाँ पर फैकल्टी की प्रॉब्लम है एनअर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इंडिया ये है कि स्टूडेंट की वेलफेयर को ध्यान ही नहीं दिया जाता सिर्फ पॉइंट टू फाइव परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं वॉट यू डू इफ यू एंड योर फैमिली अब यहाँ पर जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा या हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको ये भी पता होगा कि मिडिल मैन बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के एस्परेशंस होती तो मिडिल मैन उसका ही फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर कॉल्स करते हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं यूरोप में भेज सकते हैं और एक तरीके की रोजी पिक्चर पेंट करते हैं कि अगर वो इन मेडिकल कॉलेजेस में गए तो आपका बेटा एक डॉक्टर बन सकता है या आपकी बेटी एक डॉक्टर बन सकती है लेकिन हमें रियलिटी पता है कि वहाँ से जब जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़कर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो एफ एम जी का एग्जाम है उसको क्लियर करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है और सिर्फ फिफ्टीन परसेंट ही उसकी पास परसेंटेज है तो वॉट do you do if you and your family have invested money and emotion in making you a doctor and you do not get enough marks to qualify for a government medical college the only option यही होता है कि आप उस country से कर लो जहाँ पर आप afford कर सकते हो अब situation क्या high demand डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो ऐसे में यहाँ पर मिडिल मैन आ जाते हैं और मिडिल मैन फिर यहाँ पर पेरेंट्स को किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पर मॉरिशस भेज सकते हो यूक्रेन भेज सकते हो रशिया भेज सकते हो चाइना भेज सकते हो और यहाँ पर एक रोज़ी पिक्चर को पेंट करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया लेकिन हमें रियलिटी पता है कि एफ क्लियर करने के लिए जो पास परसेंटेज है वो सिर्फ यहाँ पर फिफ्टीन है तो पेरेंटल प्रेशर होता है अनफ्रेंडली सिस्टम होता है तो स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है अब सल्यूशन क्या है तो सल्यूशन पे हम यहाँ पर फोकस करेंगे तो दे आर मेनी हु प्रपोज आर रेपिड स्केल अप ऑफ सीट्स बाई कन्वर्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इंटू मेडिकल कॉलेजेस तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए तो हमारे पास मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा लेकिन ने बोला ये करने से पहले हमें दो चीज़ें इंश्योर करना बहुत जरूरी है पहली बात एक फंक्शनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए और दूसरी बात यहाँ पर गुड पब्लिक प्राइवेट मॉडल होना चाहिए उसके बाद ही ये करना ठीक होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को यहाँ पर कन्वर्ट कर दे रहे हो मेडिकल कॉलेज में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल प्राइवेट सेक्टर नेक्सेस देखने को मिलेगा इसके अलावा जो एन है उसको एफर्ट्स लेने चाहिए टू रेगुलेट कॉलेज फीस तो यहाँ पर कॉलेज फीस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सब्सिडाइज कर सकती है क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन तो गवर्नमेंट शुड सीरियसली कंसिडर सब्सिडाइजिंग मेडिकल एजुकेशन इवन इन द प्राइवेट सेक्टर और क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए भी यहाँ पर एक बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि यहाँ पर देखेगी जो मेडिकल कॉलेजेज हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजे उसमें क्वालिटी कैसी है पढ़ाई की इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप ये लिया था कि एग्जिट एग्जाम होगा तो जो भी यहाँ पर एम बी एस जिनका भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनको यहाँ पर एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा तो एन एम सी इज़ प्रपोजिंग अ कॉमन एग्जिट एग्जाम फॉर ऑल मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स ज ए क्वालिटी कंट्रोल मेजर तो यहाँ पर आपको सल्यूशंस पता होने चाहिए कि क्या सोल्यूशन है प्रॉब्लम तो पता है लेकिन आपको यहाँ पर एज अ सिविल सर्वेंट आपको इसके सोल्यूशन पता होने चाहिए तो आपको सोल्यूशन मिल गया जो कि आप यहाँ पर कोट कर सकते हो बैलेंसिंग एक्ट ये हम डिस्कस करेंगे चाइना और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है वो है एट हंड्रेड बिलियन डॉलर इसके अलावा जो रशिया और चाइना है वो बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो अब जो चाइना है उसको यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को भी बैलेंस करना है क्योंकि यूरोपियन यूनियन से चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड है और चाइना को यहाँ पर रशिया के साथ भी अपने टाइस को बैलेंस करना है रशिया इन्वेटेड यूक्रेन अब बेजिंग को ही बैलेंस करने हैं दोनों के साथ ही टाइज तो ही ऑल्सो रिइटरेटेड चाइनाज न्यूट्रल फॉर्मोलेन दैट द यू एन चार्टर अब चाइना ने यूएनएससी में यही बोला था कि जो यू एन का चार्टर है उसके अकॉर्डिंग जो सॉवर्निटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो यहां पर सारी ही कंट्रीज के रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है वो सारे ही कंट्रीज के ध्यान में रखे जानी चाहिए फिर वो यहां पर रशिया ही क्यों न हो तो रशिया के जो भी सिक्योरिटी कंसर्ट है वो यहाँ पर ध्यान में रखे जाने चाहिए इट इज क्लियर दट रशियाज एक्शन हैव लेफ्ट बीजिंग इन अ डिफिकल्ट पोजिशन द सेंशन

कि ये जो क्वाड है ये एशियन नेटो है तो यहाँ पर क्वाड को एशियन नेटो करके यहाँ पर चाइना एक एनोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा है जो यूक्रेन में हो रहा है नेटो की वजह से कहीं अगर आसपास भी ऐसा होता है तो वो बेसिकली क्वाड की वजह से ही होगा तो बीजिंग स्टिल कंसिडर्स द यूएस एज इट्स प्राइमरी राइवल इन द क्वेस्ट फॉर ग्लोबल सिप्रोमेसी तो चाइना को पता है कि जो राइवल है चाइना का वो यूएस है और अगर यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चलता रहा तो यहाँ पर जो यूएस है वो प्री ऑक्यूपाइड रहेगा यूरोप में और यहाँ पर जो यू एस है वो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा अब यू एस जो है वो अफगानिस्तान से बाहर इसीलिए आया था कि चाइना के ऊपर वो यहाँ पर सोल फोकस कर सके लेकिन अब ये यूक्रेनियन क्राइसिस आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर जो यू एस है वो प्री ऑक्यूपाइड हो गया यूरोप में और ये चाइना के लिए एक एडवांटेज है तो बीजिंग स्टिल कंसिडर्स द यू एस एज इट्स प्राइमरी राइवल इन इट्स कॉस्ट फॉर ग्लोबल सुप्रीम ए डेलीब्रेट तो ये फॉरन मिनिस्टर है वाग चाइना का तो वांग्स डेलीब्रेट कास्टिंग ऑफ द कॉर्ड ग्रुपिंग एज एन एशियन नेटो मे हैव बीन एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ अ कम्पेरिजन बिटवीन द इंडो पैसिफिक एंड द कंफ्लिक इन यूरोप आगे हम चलते हैं ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है लाइसेंस टू फेल हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे चलते हम ये मैंने आपको बना बताया था एक दिन मॉडल गोडा मॉडल जिसकी यहाँ पर नीति आयोग ने भी तारीफ की थी तो दिस इर प्रॉम्प्ट नीति आयोग टू तो हेल द गोदा मॉडल इन डिसंबर 2020 ट्वेंटी इज वन दैट कैन बी रेप्लीकेटेड बाय अदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट अब ये जो है गोदा मॉडल इसमें क्या है कि वेमेन टेलर्स हैं जो कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सप्लाई करती हैं टू द स्कूल जो भी यहाँ पर सामग्री शिक्षा स्कीम के अंदर स्कूल्स हैं तो टेलर्स ऑल विमेन फ्राम द विलेजेस ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट हैड अर्न मोर देन रुपीज़ करोड़ इन वेजेस इन ऑल बिटवीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी सप्लाई तो ये आपके केस स्टडी में याद रख सकते हैं कि आप कहीं कोट कर दो अब बिहार जो है अमेंडमेंट कर रहा है लॉ में कि अब बूट लेगर्स को पनिश किया जाएगा ना कि ड्रिंकर्स को और यहाँ पर ड्रिंकर्स को थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाएगी तो बिहार कैबिनेट यूजडे अप्रूव द अमेंडमेंट टू द बिहार प्रोबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 जो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ड्रिंकर्स है उनके लिए जो पनिशमेंट उसको डाइल्यूट किया गया है। लेकिन यहाँ पर बूट लेगर उसको पनिश किया जाएगा तो जो यहाँ पर बेसिकली इलीगली एल्कोहल को सेल कर रहे हैं उनको यहाँ पर पनिश किया जाएगा तो प्रोपोज एमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द पुलिस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट टू कंसिडर रिलेक्सेशन इफ ड्रिंकर्स आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ लिक्विड परचेज थी उन्होंने यहाँ पर कहाँ से ये लेकर खरीदी है तो यहाँ पर बेसिकली बूट लेगर्स को पनिश करने किया जाएगा जो स्टूडेंट इनरोलमेंट रेशियो है वो प्राइवेट स्कूल्स में डिप हुआ है लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल्स में बढ़ा है तो ये बेसिकली कोविड की वजह से हुआ है क्योंकि कोविड में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई तो बहुत सारे पेरेंट्स की जॉब चली गई हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल टू द गवर्नमेंट स्कूल इसी वजह से हमें यह डिप देखने को मिल रही है रशिया ने बॉम्ब किया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन यूक्रेन आगे हम चलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन आपको पता होगा कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं वेडल सी की लोकेशन आप बताना कि अंटार्क्टिक सी के ये कहां पर पड़ता है वेडल सी न्यू गाइडलाइंस फॉर लोअर फीस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली है ताकि यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस कम की जा सके तो थ्री फोर्थ ऑफ नियरली एटी फाइव थाउजेंड एम बी बस सीट्स इन द कंट्री विल बी ऑफर्ड एट लोअर गवर्नमेंट डेटामाइंड फीस तो यहाँ पर जो पचासी हज़ार सीट्स हैं उसमें से जो थ्री फोर्थ सीट्स हैं वो गवर्नमेंट डेटामाइंड फीस के अकॉर्डिंग ही उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा और ये यहाँ पर एन एम सी ने गाइडलाइंस निकाली तो जिसकी वजह से जो सेवेंटी फाइव परसेंट टोटल मेडिकल सीट्स होंगी वो यहाँ पर नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल होंगी तो जो ये जो यूक्रेन क्राइसिस हुई और वहाँ पर जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो एटी फाइव थाउजेंड एमबीबीएस सीट्स है वो यहाँ पर उसका जो थ्री फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पर नॉमिनल रेट पर ऑफर किया जाएगा अब यहाँ पर इससे प्रॉब्लम क्या आएगी इससे ये प्रॉब्लम आएगी कि जो बच्चे यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में हैं उनसे और ज्यादा फीस चार्ज की जाएगी तो आई है डि रीड द गाइडलाइंस इन डिटेल बट इट इज नेचुरल इफ फीस फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल इन कैपेसिटी आर टू बी बिड्यूड इसका मतलब ये है कि इस कॉस्ट को कहीं ना कहीं तो ऑफसेट करना पड़ेगा और इसको ऑफसेट करना पड़ेगा इसकी इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट कोटा सीट्स जो हैं उसको और ज्यादा एक्सपेंसिव यहां पर बनाना पड़ेगा तो इससे क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो भी हमने डिस्कस कर ली टर्की इज स्टेक्स इन द वॉर अब टर्की क्यों बहुत ज्यादा मीडिएट करने की बात कर रहा है कि हम यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएट करेंगे अब टर्की के क्या स्टेक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे टर्की इज़ द गेट वे बिटवीन यूरोप एंड एशिया जो टर्की है वो नेटो का भी मेम्बर है बट इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंगली रिलीजियस कंजर्वेटिव स्टेट अब यहाँ पर जो टर्की है वो वापस इस्लामिज्म की तरफ जा रहा है जैसे कि म्यूजियम को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया तो ये सब टर्की में देखा जा रहा है रशिया इज द फ्रेंड ऑफ टर्की बट ऑल्सो एंड एज ओल्ड जियो पोलिटिकल राइवल गोइंग बैक टू द रसो ऑटोमन वॉर्स तो यहाँ पर रशिया और टर्की के बीच में वॉर भी हुई थी तो हम ये तो देख रहे हैं कि फ्रेंड है रशिया टर्की का लेकिन यहाँ पर एज ओल्ड इनकी राइवलरी भी है अब यहाँ पर जो अर्दोग उनका यह कहना है कि ये जो कर रहा है रशिया ये एक वॉर है इसके अलावा क्रेमिया के समय भी जो रशिया ने किया था उसको भी टर्की ने एक इलीगल एक्शन ही कहा था और रशिया टर्की का यह कहना था कि क्रेमिया को हम कभी भी रिकोगनाइज़ नहीं करेंगे अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर हाँ जगह देखें तो रशिया और तुर्की जहाँ पर इनको इकोनॉमिक गेंस मिल रहे हैं तो वहाँ पर ये लोग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं लेकिन जहाँ पर इनको गेंद्स नहीं मिल रहा है वहाँ पर ये एक दूसरे के अगेंस्ट भी है जैसे कि इन सीरिया रशिया एंड टर्की फोट एन अपोजिट साइड्स तो यहाँ पर सीरिया में जो बशार असाद प्रेसिडेंट है तो उसको यहाँ पर टर्की सपोर्ट नहीं करता लेकिन उसको यहाँ पर रशिया सपोर्ट करता है और यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर वेस्ट की तरफ ज़्यादा है तो इन सीरिया रशिया एंड टर्की फोट एन अपोजिट साइड रशिया टू प्रजर्व द बशर अल असद प्रेसिडेंसी टर्की ऑन द साइड ऑफ द ग्रुप्स फाइटिंग है अड शो वॉज द रशिया टर्की बैटल फॉर सुप्रेमसी इन द रीजन इसके अलावा इतलिप जो कि नॉर्थ वेस्ट सीरिया में ऑन द बॉर्डर ऑफ टर्की वहाँ पे भी दोनों रशिया और टर्की एक दूसरे के अगेंस्ट है तो ऑल दो टर्की वॉज पार्ट ऑफ ए वेस्टर्न कोलिशिया अगेंस्ट द आसाद रिजिन लेकिन उसके बाद भी रशिया और टर्की जो है मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स है तो जहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आती है तो वहां पर सब लोग किसी ना किसी तरह कोऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें दिख रहा है कि दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो टर्की की इकॉनमी है वो यहाँ पर रशिया से इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो लगभग सिक्सटीन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर का ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और यहाँ पर जो इम्पोर्ट करता है टर्की वो करता है रशिया से रिफाइंड पेट्रोलियम तो देर अ गैस पाइपलाइन नाउ अंडर द ब्लैक सी फ्रॉम द रशिया टू टर्की तो यहाँ पर अब जो टर्की है वो रशिया से गैस को भी इम्पोर्ट करेगा 2020 में टर्की ने रशिया से एस फोर हंड्रेड ट्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल भी लिया था और जिसके बाद यूएस ने टर्की के ऊपर सेंशन लगा दिए थे अंडर द काट्सा तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज थ्रू सेंशन सैक्ट तो जिसमें यहाँ पर कोई भी ईरान नॉर्थ कोरिया रशिया से कुछ भी लेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर जो यू है वो सैक्शन लगा सकता है इंडिया के ऊपर सेंक्शन नहीं लगे क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर दिस एक्ट तो यहाँ पर यू एस प्रेजिडेंट के पास पावर है कि वो सेंशन को वेव ऑफ भी कर सकते हैं तो इसी वजह से अभी तक इंडिया के ऊपर सेंशन नहीं लगे हैं रशिया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहा है यूकू इन सदर्न टर्की टर्की इज ऑल्सो क्लोज ट्रेडिंग एंड स्ट्रेटिक पार्टनर ऑफ यूक्रेन और यूक्रेन और जो टर्की का बायोलेट्रोल ट्रेड है वो है टू पॉइंट वन फाइव बिलियन डॉलर का जो टर्की है मेजर एक्सपोर्टर है यूक्रेन को और यहाँ पर जो टर्की वो एक्सपोर्ट करता है रिफाइंड पेट्रोलियम इसके अलावा टर्की ने यूक्रेन को एक ड्रोन भी दिया है और उस ड्रोन का नाम है बे ड्रोन तो ये आपको पता होना चाहिए टर्की के ड्रोन से जो कि टर्की ने यूक्रेन को दिए हैं तो रशिया हैज़ बीन एंग्री विद टर्की फॉर आर्मिंग यूक्रेन तो रशिया यहाँ पर टर्की से नाराज भी था कि आप यहाँ पर यूक्रेन को क्यों आर्म्स दे रहे हो तो आपको ड्रोन पता होना चाहिए बैरकदार ड्रोन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बहुत टाइम से मुझे न्यूज में दिख भी रहा था लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आ रहा था तो अर्लियर द वेस्ट वॉज एंग्री विद टर्की फॉर सप्लाइंग द ड्रस ट अजर बाईजान आर्मी ड्यूरिंग द नगरनो कारोबा कॉन्फ्लिक्ट आप मुझे ये बताना है नगरनो कारोबा कॉन्फ्लिक्ट कौन से कंट्रीज के बीच में था इट अपियज दैट टर्की हैज इंडिजनाइज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द ड्रोन ये हमें पता है अब ये जो रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है ल्योहंगस और दौनतेक्स और ये जो दौनबास वाला रीजन है टर्की ने इसको रिजेक्ट कर दिया है टर्की ने इसके अलावा 1936 का जो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन है और यहाँ पर जो दो स्टेट्स हैं उसको यहाँ पर टर्की रेगुलेट करता है बॉस्फोरस और डार्डलेंस स्टेट और यहाँ पर टर्की ने यह कह दिया था कि हम यहाँ पर रशिया की नेवल वॉरशिप्स को नहीं जाने देंगे लेकिन कोई अगर होम बेस में जाना चाहती है तो उसको यहाँ पर टर्की अलाउ करेगा तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कि किस कंट्री के किस कंट्री के साथ क्या स्टैटिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पर बे हम क्या कंट्रीज डिसाइड कर रहे हैं वो भी हमें पता चल गया है अब हम आगे चलते हैं स्कीम पोर्टेबिलिटी अभी ये प्रोपोजल है कि एम्प्लॉयज़ प्रो, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर से इनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है तो स्कीम्स की पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए तो दिस फूड मार्क द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन्श्योरिंग पोटेबिलिटी ऑफ़ सोशल सिक्योरिटी एंड कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम टू एश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स फॉर बोथ ऑर्गनाइज एंड अन वर्कर्स तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर से अगर कोई एम्प्लॉय अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है तो यहाँ पर स्कीम्स की पोर्टेबिलिटी हो तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक पोर्टल बनाया गया था ई श्रम पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन तो ई श्रम पोर्टल किसके लिए बनाया गया था फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स रजिस्ट्रेशन और इसमें यह फॉर्मेट में जैसे कि डिजिट का यू ए एन नंबर मिलता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वैसे ही इसमें भी कुछ दिया जा रहा है तो ईम पोर्टल एम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज डूइंग रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द ट्वेल्व डिजिट यू एन नंबर विच ऑल्सो एक्जिस्ट फॉर ईपीए हेन्दून नंबर विल भी कॉमन फॉर वर्कर्स और यहां पर स्कीम्स की पोर्टेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी द लेबर मिनिस्ट्री इज कंडरिंग ब्रिंगिंग इन अ प्रपोजल टू ट्विक द रूल्स रूल्स फॉर पेंशन स्कीम अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर वाइडर कवरेज ओन वर्कर्स के लिए जो कि यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को मूव कर जाते हैं अब जो रुपी है वो डेप्रीशिएट हो रहा है ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर रुपी सॉप किया है अब डॉलर रुपी सॉप इसी लिए किया है ताकि मार्केट में जो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो मार्केट में और ज़्यादा डॉलर्स डाल दिए जाए और रुपयी निकाल लिया जाए ताकि यहाँ पर रुपी का डेप्रिसिएशन ना हो तो लीडिंग टू इन्फ्यूजन ऑफ डॉलर्स तो यहाँ पर मार्केट में डॉलर और ज़्यादा डाले गए हैं और रुपी को सर्कआउट कर लिया गया है ताकि यहाँ पर रुपी जो है वो डेप्रिशिएट ना हो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अवनाइज Thank <laughs>